रहा है। बढ़ते हैं राजस्थान की ओर, रुक करते हैं। आपको बता दें, हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झंडा फहराएंगे। कार्यक्रम के दौरान परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम में आज से सभी का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस समय मैं मौजूद हूं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर। यहां पर 15 अगस्त को मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झंडा फहराएंगे, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ही की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से इस जगह को अभी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां हर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। यहां एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब यहां पे एंट्रियां सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो इससे जुड़े हुए किसी कार्य से यहाँ आ रहे हैं या जिनके पास विशेष अनुमति है, सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। बाकी सभी लोगों का सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर झंडा फहराने वाले हैं। आपको बता दें कि कोविड के चलते पिछले 2 सालों से इस समारोह में दर्शक दीर्घा के अंदर लोगों को सीमित रखा गया है। उसी प्रकार इस साल भी दर्शक दीर्घा के अंदर जो लोग रहने वाले हैं वो सीमित लोग होंगे, जो लोगों की संख्या होगी वो सीमित होगी। इसी के और सुरक्षा की दृष्टि से आप देख ही रहे हैं, पूरी तरीके से चाक चौबंद हो चुका है। पूरी तरीके से हर चीज को जांचा परखा जा रहा है, उसके बाद ही किसी को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ गौरव, MKN न्यूज, जयपुर। आप देख सकते हैं किस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी तमाम तैयारियां जो हैं वो जोरों पर है, रिहर्सल की जा रही है। कार्यक्रम किस तरीके से होगा तमाम जानकारी भी यहां पर दी जा रही है। वहीं जोरों पर सारी तैयारियां हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी जो तमाम गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत ही यहां पर सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं इसी तैयारियों को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव गुप्ता जुड़े हुए हैं। गौरव, स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो रिहर्सल है वो जारी है, तमाम तैयारियां की जा रही है, क्या माहौल फिलहाल बना हुआ है राजधानी जयपुर में इन तमाम रिहर्सल को लेकर और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर? देखिए काशी, मैं बताना चाहूंगा कि जो जयपुर का मुख्य समारोह है वो सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाता है और इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद रहते हैं और वो ही झंडारोहण करते हैं। तो इस समारोह को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। परेड ग्राउंड में डेली सुबह परेड की प्रैक्टिस वहां पे जारी होती है, प्रैक्टिस से पूरी हो चुकी है और जो कार्यक्रम होने हैं उनको लेकर भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। साथ ही जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त है यज्ञ मित्र सिंह जी, आज उन्होंने भी इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं तैयारियों के जायजों को लेकर स्टेडियम का दौरा किया है। स्टेडियम को एहतियात के तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से आमजन के लिए अभी बंद कर दिया गया है। उस स्टेडियम में सिर्फ उनको अभी अंदर जाने दिया जा रहा है जो कि इस कार्यक्रम से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों को सिर्फ प्रवेश दिया जा रहा है। पूरा स्टेडियम जो है वो एक तरीके से पूरी तरह सील कर दिया गया है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टेडियम के 5 गेट हैं परंतु बाकी सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ एक गेट खोला गया है इस समय और उस पर भी पूरा पहरा बिठा रखा है। पूरी तरीके से सिक्योरिटी चाक चौबंद है कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कि वहां पे किसी तरह की कोई इनोसेंस क्रिएट ना हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरा सबका प्रवेश बंद कर दिया गया है और उस गेट से जो प्रवेश लेते हैं उनको भी उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जो कि उस कार्यक्रम से रिलेटेड लोग हों। इसी चीजों को लेकर जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने भी वहां का दौरा किया है और उस सारी सिक्योरिटी की जांच की है। साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया, यज्ञ मित्र सिंह देव जो है उन्होंने दौरा किया है। ये सारा कार्यक्रम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट सचिवालय से चलता है, उसकी देखरेख में किया जा रहा है। सारी तैयारियों का जायजा GAD खुद ले रहा है, खुद पूरे डिपार्टमेंट पूरी तरीके से खुद अपने हाथ में ले रहा है किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, क्या होंगे, वो सारी तैयारियों का जायजा GAD खुद ले रहा है। जी गौरव जी, वही काफी संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण को लेकर क्या तैयारियां वहां पर है, सुरक्षा की क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं या फिर क्या खास कोई गाइडलाइन जारी की गई है जिनका पालन कार्यक्रम के दौरान करना होगा?
ठीक है, इसमें ऐसा है कि कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पिछले साल भी ये जो था वहां पे सीमित दर्शकों को एंट्री दी गई थी, मीडिया में भी सीमित लोगों को एंट्री दी गई थी। तो सीमित लोगों को एक तो एंट्री दी जा रही है, वहां ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी, ये दर्शक दीर्घा में सीमित लोग होंगे। साथ ही पूरा सैनिटाइजेशन का प्रबंध है वहाँ पे, वहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सैनिटाइजेशन के लिए एक टनल लगाई गई है, उस टनल से होकर आप जाएंगे तो पूरा सैनिटाइज होके, तो सैनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध किया गया है। साथ ही समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कोविड गाइडलाइंस है, आपका एक निश्चित दूरी बनाए रखना प्लस मास्क का प्रयोग करना, तो ये सारी गाइडलाइंस को उनको वहां पे भी पालन करना होगा। साथ ही थर्मल चेकिंग के बाद ही किसी को दिया जाए। थर्मल में आपको बताना चाहूंगा कि सबका टेम्परेचर नोट होगा, और टेम्परेचर अगर किसी का ज्यादा होता है तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी, जिनका टेम्परेचर नॉर्मल होगा उन्हीं को प्रोग्राम के दौरान एंट्री दी जाएगी। जी गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। किस तरीके से आपने देखा कि जो तमाम तैयारियां हैं वो स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर जगह देश भर में यहां पर की जा रही है, और रिहर्सल का दौर जो है वो अभी जारी है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी यहां पर तमाम तैयारियां की गई है कि किसी भी तरीके से संक्रमण यहां पर ना फैल सके, और कोरोना को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है जिसका निश्चित तौर पर यहां पर पालन करना अनिवार्य होगा। फिलहाल के लिए एमकेएन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।